Assalamualaikum and welcome back to my channel. It's me Nishu Khan. तो आज हम बात करेंगे जेली लाइटर्स के बारे में. अगर फरसाली का नाम आपने सुना हो तो फरसाली ने सबसे पहले लॉन्च किया था जेली टेक्सचर हाइलाइटर, जो कि हमें पाकिस्तान में भी अवेलेबल है. आई एम रियली प्राउड कि ब्यूटी वर्ल्ड जो है वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है. सबसे पहले उन्होंने प्रेस्ड ग्लिटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए थे, जो कि हर जगह पे छा चुके हैं एंड दे आर रियली गुड. लेकिन अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है द जेली लाइटर. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप इसे यूज किस तरह से कर सकते हैं, आर दे गुड और नॉट, इनके स्वॉचेस. और मैं बताती चलूँ, ये हैं दो शेड्स, लाइक वन है हेलो बीम एंड दूसरा है जस्ट ब्लश्ड. यानी दोनों स्किन टोन के लिए कौन सा ब्लश जो है वो ठीक है, यानी फेयर स्किन के लिए और रिच स्किन के लिए कौन से हाइलाइटर सूट करेंगे आपको, वो मैं आपको बताऊंगी. इनका टेक्सचर, इनकी परफॉर्मेंस सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, यू नो द ड्रिल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो इसका बॉक्स है कुछ इस तरह से, जिसपे लिखा हुआ है ब्यूटी वर्ल्ड. ओपन करने पर आपको मिलेगा द ब्यूटिफुल हाइलाइटर. कंटेनर जो है जार फॉर्म में है, तो आप देख सकते हो कॉल्ड ब्यूटी वर्ल्ड जेली लाइटर. इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिखे हैं एंड दे आर सो सेफ. यानी इंग्रेडिएंट जो है इसके बहुत सेफ है. एलोवेरा जेल, होबा ऑयल, आर्गन ऑयल, मेकअप पाउडर एंड शिमर डस्ट एंड ग्लिसरीन. फिर उसके बाद यहाँ पे इसका इस्तेमाल लिखा हुआ है कि आप इसको यूज़ किस तरह से करेंगे. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि जेली हाइलाइटर जो है जेली फॉर्म में अप्लाई होते हैं, लेकिन जो है पाउडर फॉर्म में सेट हो जाते हैं. एंड लेट्स जस्ट ओपन दिस बैड बॉय. सो इसकी लिड ओपन करने पर ये है कुछ इस तरह से, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस highlighter is. Okay, so this one is Hello Beam and this one is Just Blushed. तो ये है जस्ट ब्लश और ये है हेलो बीम. इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ सारा कुछ. अब चलते हैं, मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ आप इसे अप्लाई किस तरह से कर सकते हो. और यानी एक शेड जो है हेलो बीम मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाऊंगी, और जस्ट ब्लश जो है वो मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाऊंगी. एंड आई जस्ट लव द वेट लुक यानी हाइलाइटर्स की. और आप इसे जो बेसिकली अपनी बीबी क्रीम में ऐड करके अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही नेचुरल सा लुक आता है. फाउंडेशन में ऐड करके अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने देखना है लिक्विड हाइलाइटर किस तरह से और डिफरेंट टाइप से यूज़ होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे इसे हम यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी शेकी शेकी हो रहा है अंदर, टोटली जेली फॉर्म में है. तो अब मैं लूँगी इसे थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा. ओह एंड इट्स टू मच, बस इतना सा लूँगी मैं. इसे अप्लाई करूँगी इस तरफ. मैं करूँगी इसे अच्छे से ब्लेंड. ब्लेंड आपने बहुत जल्दी करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हो जाता है सेट. तो आपने इसे छोड़ना नहीं है, सेट होने के लिए आपने बहुत जल्दी से इसे करना है ब्लेंड. इवन आप इसे अपनी आईलेट पे भी अप्लाई कर सकते हो, आईलेट पे भी बहुत ही प्यारा लगेगा. और ड्राई हो जाता है तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी आईलेट का जो कलर है वो क्रीज में ट्रांसफ़र होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. कैन यू सी ये कितना प्यारा लग रहा है. और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये नेचुरल लाइट में जो है वो बहुत ही बुरा लगेगा, तो मैं बिल्कुल ही खिड़की के सामने बैठी हुई हूँ एंड टोटली नेचुरल लाइट्स हैं ये.
दिस वन इज हेलो बीम. हेलो, सो गुड. लाइक हाइलाइटर लगाने से ना मेकअप एकदम से जान आ जाती है मेकअप में. हम देख सकते हो दिस साइड नो हाइलाइटर, बिल्कुल मैट. एंड दिस साइड ये कलर जो है फेयर स्किन टोन के लिए थोड़ा सा डार्क है, यानी फेयर स्किन टोन के लिए थोड़ा सा डार्क है. आई होप कि अगर ये शैम्पेन कलर में होता तो बहुत ही बेस्ट होता हर एक स्किन टोन के लिए. ये बिल्कुल ही गोल्डन सा शेड है. सो फेयर स्किन टोन के लिए डे टाइम में यूज़ करना आई डोंट थिंक सो कि उनको मैच करेगा. आपने इसको जो है टाइटली बंद करना है आफ्टर यूज़. इसकी लिड पे ही बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगा हुआ है. आई एम रियली कंजूस, तो मैं इधर से ही अप्लाई करूँगी इस हाइलाइटर को. एंड दिस हाइलाइटर इज डेफिनेटली फॉर फेयर स्किन टोन. आपने फिंगर की मदद से इसे जल्दी जल्दी से ब्लेंड करना है. आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो. कितने क्या ब्यूटी ब्लेंडर, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो. ब्यूटी ब्लेंडर वर्क्स रियली गुड. एक्चुअली अभी जो मैंने मेकअप किया है न्यूड सा मेकअप, तो उसके साथ हेलो बीम सूट सो वेल. कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड जस्ट ब्लश जो है वो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो. कहता है इवन अगर आप बेबी क्रीम भी नहीं लगाते हो, सीरम में जो है एक ड्रॉप ये ऐड कर लो, अपने फेस पे लगा लो एंड आप पूरा दिन ग्लो करोगे. बाकी ये जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ट्रांसफ़र प्रूफ हैं ये हाइलाइटर्स, जो कि बहुत ही बेस्ट बात है. इनको बहुत ज़्यादा इंटेंस करने के लिए आप इसके ऊपर जो है वो पाउडर हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हो, नो इशू. तो इनकी प्राइस है 899 रुपीज़. और ये एक इंस्टाग्राम पेज पे या एक फेसबुक पेज है इनका, वहाँ से भी आप लोगों को मिलेंगे. और ये वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है. लिक्विड हाइलाइटर का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमेशा हमेशा अक्सर फाउंडेशन जो है वो नीचे से खिसक जाती है हाइलाइटर लगाने की वजह से. तो आपने डैबिंग मोशन में इसको अप्लाई करना है ताकि आपकी फाउंडेशन जो है वो ड्रैग ना हो. ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया था एंड यहाँ से थोड़ी मेरी फाउंडेशन जो है वो थोड़ी हो गई है. सो ऑलवेज यूज़ योर फिंगर्स से थोड़ा काम लीजिए. बाकी मैंने ब्रश भी यूज़ किया है. ब्रश के स्ट्रोक्स जो हैं वो इस हाइलाइटर में पड़ जाते हैं. सो ऑलवेज यूज़ योर फिंगर्स. And I am loving these highlighters. And I was so excited कि मैं कब ये वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी माई एक्सपीरियंस अबाउट दीज हाईलाइटर. एंड आई एम सिंपली इन लव विद दीज. सो जस्ट गो अहेड गर्ल्स, चेक देम आउट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक मी, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. यू नो द ड्रिल. सो या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.